प्रवचन है बोला प्रोबटा है टाइन इन अवर्स 2/5 प्लस टाइन इन अवर्स 1/3 प्लस टाइन इन अवर्स 1/12 बराबर पाई बाई 4 2022 में पूछा है। सॉल्यूशन तो बताइए जी, एक्स्ट्रा वैल्यू है 2/5 बाईटा वैल्यू है 1/3 और जेड का एक्स बाई जेड का वैल्यू है 1/12। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आ रहा ना जी। चलिए तो आप लोग बनाइए जल्दी कि आप लोग पर हम छोड़ रहे हैं HW। आप लोग बनाइए बनता है कि नहीं बनता। टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई प्लस टाइन इनवर्स जेड का फॉर्मूला लगाइए, देखो हम बता दें। तो टाइन इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स वाई प्लस टाइन इनवर्स जेड का फॉर्मूला टाइन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आगे बताइए टाइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हो गया 2/5 प्लस वाई का वैल्यू 1/3 प्लस 1/12 2/5 इंटू 1/3 इंटू 1/12 बटा यहाँ से 1 माइनस एक्स इंटू वाई तो एक्स्ट्रा वैल्यू हो गया 2/5 इंटू वाई का वैल्यू 1/3 माइनस वाई जेड तो वाई का वैल्यू 1/3 इंटू जेड का वैल्यू 1/12 माइनस जेड का वैल्यू 1/12 इंटू एक्स्ट्रा वैल्यू 2/5। तो टाइम इन अवर्स 5 × 3 = 12 कैल्सियम कितना हो गया जी 60, शायद तो होना चाहिए 12 × 3 = 5 कैल्सियम 3 × 3 = 12 3 × 3 = 5 5 × 20 = 60। चलिए ये 60 कैल्सियम हो गया जी। तो यहाँ से बताओ 12 × 5 = 60 12 × 2 = 24 प्लस ये 20 होगा और ये 5 होगा माइनस ऊपर हो जाएगा 2 × 12 = 36 बटा यहाँ से 1 माइनस 2/15 माइनस 1/36 माइनस 2/60। तो आज का स्टेप में टाइन इनवर्स 24 और 20 कितना जी 44 और 5 49 49/60 माइनस 2/180 बटा 1 माइनस इतना 1 − 2/15 माइनस 1/36 माइनस 2/60। तो आगे का स्टेप हो जा रहा टाइन इनवर्स एलसीएम कितना हो जाएगा जी 180 हो जाएगा। तो 180 में 3 से मल्टीप्लाई 180 में 7 से भागा तो 3 3 में इतना से तो 9 × 3 = 27 के 7 × 8 = 2 4 × 3 = 12 2 = 14 माइनस 2/2 ये हो जाएगा कितना जी एलसीएम लो यहाँ कुछ हो नहीं तो 15, 36 और 60 कैल्सियम 180 तो 180 माइनस 15, 12, 180 तो 12 × 2 = 24 माइनस ये 5 होगा जी माइनस 36 × 18 3 × 3 = 2 कितना जी 6 तो यहाँ से होगा टाइन इनवर्स 145/180
और यहाँ से 180 ले लिए तो यहाँ से 24 36 और 5 35, तो 180 में से 35 चला जा रहा है 145, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा टैन इनवर्स 145 बटा 145 कैंसिल होते एक मरते, तो टैन इनवर्स ओ वन होगा। तो बताइए रहा कि टैन में कितना का वैल्यू होता था 45.45 पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 हो गया, क्या प्रूव हो गया, क्लियर समझ में आया है तो एक बार रिप्लाई दीजिए रहा विद्यार्थी जी, नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए रहा। चलिए